नमस्कार आप सभी को। मैं आज आपके लिए एक विशेष रेसिपी लाई हूँ। यह रेसिपी उत्तर प्रदेश में खास तौर पर बनाई जाती है। इसे चने की दाल से बनाया जाता है और ये बहुत ही ज़्यादा लाजवाब और स्वादिष्ट बनती है। इसे खंडौरा कहा जाता है वहाँ। तो खंडौरा सब्जी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ओवरनाइट सोक्ड चने की दाल ले ली है। ये बिल्कुल अच्छी सॉफ्ट हो चुकी है। इसके साथ में मिर्ची, लहसुन और अदरक जो है पीसूंगी, देख सकते हैं आप। और इन सभी को हम मिक्सर जार में पीसेंगे और हमें इसका एक पेस्ट बना लेना है। और ये देखिए मैंने ट्रांसफ़र कर दिया है इसे जार में। इसमें नमक ऐड करेंगे हम टेस्ट के अकॉर्डिंग, और इसके अलावा मैं इसमें जीरा भी ऐड करती हूँ। जीरा से एक बहुत ही अच्छा फ्लेवर ऐड हो जाता है इसमें, इसलिए इसे ज़रूर ऐड करें आप। और ये देखिए अब इसे हम इस तरीके से पीस लेंगे। तो ये मैंने तैयार कर लिया है पीस के। ये बिल्कुल बारीक सा नहीं पीसना है आपको, हल्का सा दरदरा रहेगा ये। और इसमें मैंने 2 से 3 बड़े चम्मच पानी ऐड करते हुए इसे पीसा है। तो ये इस तरीके का बैटर होना चाहिए आपका। और ये देखिए ग्रेवी के लिए मैंने यहाँ पर प्याज ली है एक मीडियम साइज़ की, अदरक लिया है, हरी मिर्च और टमाटर लिए हैं मीडियम साइज़ के, और हरा धनिया लिया है। तो ये हरा धनिया अलग से चॉप कर लेंगे हम, और बाकी इन चीज़ों का हम पेस्ट बनाएंगे। और प्याज का अलग से पेस्ट बनाएंगे ग्राइंडर में, चाहे तो आप इन्हें ग्रेट भी कर सकते हैं। और ये लहसुन जो है इसे भी हम टमाटर के ही साथ पीसेंगे। तो चलिए इसे हम पीस करके तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने पेस्ट बनाकर रेडी कर लिया है। देखिए अलग अलग 2 जगह प्याज का और टमाटर वाला, और ये हमारा वो खंडौरा वाला पेस्ट दाल का। और यहाँ कढ़ाई चढ़ा दी है मैंने, इसमें सरसों का तेल डाल दिया है गर्म होने के लिए। और दूसरे साइड एक टिन जो है उसे मैंने ग्रीस करके रख दिया है। इसी में हम जो है ये चने की दाल जो हमने पीसी है इसे हम जमाएंगे। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर हल्दी मिला दी है इसमें थोड़ी सी। हल्दी ऑप्शनल है, कलर के लिए है, तो आप ऐड कर सकते हैं या स्किप भी कर सकते हैं। तो मैंने पेस्ट को ऐड कर दिया है तेल में, जो हमने पीसा था दाल वाला पेस्ट। अब हम इसे मीडियम फ्लेम पर चलाते हुए कंटिन्यूअसली कुक करेंगे लगभग 7 से 8 मिनट के लिए, तब तक जब तक कि ये पैन को छोड़ने लग जाएगा और थोड़ा सा पक जाएगा। दाल को हमें थोड़ा सा कुक कर लेना है, कच्चा नहीं रहने देना है पूरी तरीके से नहीं, लेकिन आधा लगभग हमें इसे कुक कर लेना है। तो बस इस तरीके से आप इसे चलाते रहें और थोड़ी ही देर में आप देखेंगे कि ये पैन छोड़ना स्टार्ट कर देगा पक करके। तो आप देखिए इस तरीके से मैंने 7 से 8 मिनट इसे चलाते हुए कंटिन्यूस पकाया है, और ये इस तरीके का इकट्ठा हो चुका है, पूरा डो फॉर्म में आ गया है। तो अब हम जो है फ्लेम ऑफ करेंगे और इसे हमें वो जो ग्रीस्ड टिन है मैंने रखा हुआ उसी में हमें इसे जमा लेना है। तो ये देखिए, तो जो हमने डो बना लिया है इसका चने की दाल का, वो हम मिक्सचर पूरा जो है इसमें ट्रांसफ़र कर लेंगे इस तरीके से। और इसे आपको पूरा अच्छे से प्लेन करके एक अच्छे से शेप देना है, स्क्वायर फॉर्म करना है इसका, ताकि हम इसकी जो बर्फी होती है वो या फिर बार्स जो है कट कर पाएँ अच्छे से। तो इस तरीके से मैंने इसे प्लेन कर लिया है। जल्दी जल्दी हो सके जितना भी आप इसे कर लें इस प्रोसेस को, क्योंकि ये जल्दी से जम जाती है। जब जैसे जैसे ठंडी होगी उतनी जल्दी जमने लगेगी, इसलिए आपको फटाफट ये करना होगा। तो ये देखिए मैंने कट्स लगाए हैं चाकू से इसमें। मैं इसे डायमंड शेप में कट कर रही हूँ, आप चाहें तो इसे स्क्वायर शेप में भी कट कर सकते हैं। और ये आसानी से बिल्कुल कट जाता है, आसानी से निकल भी आता है, थोड़ी ही देर में जम कर तैयार हो जाएगा, 15 से 20 मिनट में, ज़्यादा समय नहीं लगता है। तब तक आप अपनी ग्रेवी का काम कर लेंगे हम लोग, तब तक ये बन के तैयार हो जाएगी। तो इस तरीके से सारी कट कर लेंगे, और ये देखिए मैंने कट कर ली है। और बस ये ठंडी होती है तो आसानी से निकल आती है, ये देखिए। तो ये ठंडी हो चुकी है और ये बहुत ही इजीली निकल आएगी, आपको कोई भी एफर्ट नहीं करने होंगे, बिल्कुल आसानी से निकल के आ जाएगी। आप इसे थाली में भी जमा सकते हैं, थाली को पलट लीजिए और पीछे साइड में तेल लगाकर थाली के और उसे जमा दीजिए, या थाली के अंदर भी जमा सकते हैं, जैसे आपको पसंद है, जो भी अवेलेबल बर्तन हो आपके पास। तो बस अब इन्हें हम एक पैन में तेल डाल करके फ्राई कर लेंगे। तो ये देखिए इन सारे डायमंड शेप के जो हमने बार्स बना लिए हैं दाल के, इन्हें
हमें फ्राई करना है तेल डाल करके, तो मैं इसे शैलो फ्राई कर रही हूँ, मुझे ये ऐसे ही पसंद है। आप चाहें तो इन्हें डीप फ्राई कर सकते हैं, वैसे इसे जब उत्तर प्रदेश में बनाया जाता है तो इन्हें डीप फ्राई ही किया जाता है, बट ये हेल्दी वे है इसे बनाने का और इजी वे भी है कह सकते हैं, तो मैनेजेबल होता है, आसानी से आप इन्हें पलट पाते हैं इस तरीके से बनाते हैं। तो ये देखिए, इस तरीके से सारी हम एक के बाद एक इसमें रख देंगे और बस इन्हें मीडियम फ्लेम पर आपको कुक करना है गोल्डन होने तक अच्छे से दोनों साइड से। ये बिल्कुल क्रिस्पी हो जाएगा, ये देखिए मैंने इसे पलट दिया है एक साइड से और दूसरे साइड ही कुक हो रहा है और इस तरीके का बिल्कुल हो जाएगा। तो दूसरी तरफ मैंने फिर से तेल ऐड किया है थोड़ा सा कढ़ाई में सरसों का, और इसे गरम करके हम जो है ऐड करेंगे जीरा और एक तेज पत्ता, और ये दोनों थोड़ा सा कुक हो जाएगा। उसके बाद हम इसमें पिसी हुई प्याज ऐड कर देंगे, तो इसे हल्का सा ढक दें क्योंकि डालने के बाद ये उड़ता है थोड़ा। तो ये देखिए मैंने इन्हें निकाल लिया है फ्राई करके और ये बिल्कुल क्रिस्पी से हो चुके हैं, बिल्कुल सॉफ्ट नहीं है अब। अब एकदम अंदर से ये सॉफ्ट हैं और ऊपर से क्रिस्पी हैं। तो ये देखिए मैंने प्याज ऐड करने के बाद इसे चला दिया है और हमें इसे हल्का सा कुकर लेना है। तो ये देख सकते हैं आप, प्याज हल्की सी कुक हो चुकी है, मतलब हाफ कुक। तो इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे हल्दी पाउडर, थोड़े से ड्राई मसाले ऐड करेंगे हम लोग यहाँ पर, और उसके बाद थोड़ा सा नमक ताकि कुकिंग जल्दी हो प्याज की, और उसके बाद धनिया पाउडर और लाल मिर्च का पाउडर, और इन चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे आपस में। और मिक्स करने के बाद मैंने उसे 2 मिनट कुक किया और इसे फिर ऐड किया है इसमें मैंने टमाटो की प्यूरी जो हमने पूरी बनाई थी, मिर्ची लहसुन अदरक वाली, वो ऐड कर दी है। तो मसालों को आपको प्याज के साथ 1 या 2 मिनट ही कुक करना है बिल्कुल लो फ्लेम पे, वरना वो जल सकते हैं। और उसके बाद इस प्यूरी को ऐड करके आपको ढक कर इसे कुक करना है तब तक जब तक इससे तेल अलग होने लगे और सारे मसाले अच्छे से कुक हो जाएं और सब्जियां भी। तो ये देख सकते हैं आप, ये बिल्कुल अच्छे से कुक हो चुका है सारा पेस्ट और मसाले हमारे, तेल अलग दिखाई दे रहा है इसमें से। तो बस अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें ऐड करेंगे पानी। तो ये मैंने सेम जो प्यूरी वाला बोल था उसी में पानी ले लिया है, और ये मैं इसमें लगभग 2 कटोरी पानी ऐड करूंगी। अभी मैंने 1 कटोरी पानी ऐड किया है, मैं 1 कटोरी पानी और ऐड करूंगी इसमें, और क्योंकि हमें इसकी ग्रेवी को पतला ही रखना होता है, आप इसे ज़्यादा गाढ़ा ना रखें शुरू से क्योंकि बाद में ये थोड़ी गाढ़ी हो जाती है, इसलिए आप थोड़ा पतला ही रखें इसे। तो ये देखिए मैंने 1 कटोरी और पानी इसमें ऐड कर दिया है और बस अब इसे हम अच्छे से चला लेंगे सारी चीज़ों को मिक्स करके, इससे थोड़ी देर छोड़ देंगे ऐसे ही ताकि इसमें बॉईल आए और फिर हम इसमें बार जो हमने फ्राई करके रखे हैं वो ऐड करेंगे। तो ये देखिए इसमें बॉईल आना शुरू हो चुका है, बस इसी स्टेज पर हम लोग यहाँ गरम मसाला ऐड कर देंगे। ये मेरा होममेड गरम मसाला है और इसकी रेसिपी मैं जल्दी ही लेकर आऊँगी आपके लिए, बहुत ही खुशबूदार बनता है और मार्केट से बिल्कुल अलग होता है ये गरम मसाला, इससे सब्जी में बिल्कुल अलग टेस्ट और खुशबू ऐड हो जाती है। तो ये देखिए बिल्कुल अच्छे से बॉईल होने लगा है ये, बस अब यहाँ पर हमने जो फ्राई किए हुए सारे बार्स थे चने की दाल के, उन्हें हम ऐड कर देंगे। तो एक एक करके सावधानी से आप ऐड कर दें इन्हें, और बस आपको क्या करना है, इसे मीडियम टू लो फ्लेम पर ही कुक करना है ढक करके लगभग 5 मिनट के लिए। तो आप ये सब डाल करके इसे ढक कर रख दें, लगभग 5 से 7 मिनट आपको इसे कुक करना है मीडियम टू लो फ्लेम पे। और ये देखिए ये कुक हो चुकी है ऑलमोस्ट, और इसे साइड साइड से ही मैं चला रही हूँ, आप देख सकते हैं मैं बीच से इसे नहीं चला रही हूँ ज़्यादा, क्योंकि आप बीच से इसे ज़्यादा डिस्टर्ब करेंगे तो ये बार्स टूट सकते हैं और घुल जाएंगे ग्रेवी में, तो इसलिए आपको थोड़ा सावधानी से इसे चलाना है। बस इस स्टेज पर हम लोग हरा धनिया कटा हुआ ऐड कर देंगे, तो कितना सुंदर लग रहा है आप देख सकते हैं, बिल्कुल अच्छे से पक चुकी है और बिल्कुल डिलीशियस दिख रही है हमारी ग्रेवी वाली खंडौरा सब्जी। तो आप इस सब्जी को कभी भी बना सकते हैं, जब आपके घर में सब्जी कोई अवेलेबल ना हो या कोई गेस्ट आ रहा हो तब भी, बहुत ही शानदार बनती है ये। तो आप देख सकते हैं मैंने इसे एक बोल में सर्व कर लिया है, तो हमारी बिल्कुल लाजवाब और स्वादिष्ट खंडौरा सब्जी बनकर तैयार है। इस सब्जी को आप पूरी, पराठे, चपाती या चावल किसी के भी साथ सर्व कर सकते हैं।
तो ऐसी ही अच्छी और इंटरेस्टिंग रेसिपीज के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। फूड एंड मोर विद आर्ची के साथ बने रहिए।